देवपुर जिले के और चोटवाड़ा ब्लॉक के पधारे हुए में सभी प्यारे भाई सभी को मेरा नमस्कार करना। जैसा कि अभी सदस्यता का अभियान चल रहा है 21 जुलाई से 31 अगस्त का, पार्टी से ये सबको ये जिम्मेदारी थी कि मंडलों की जिसके संयोजक की जिम्मेदारी दे रखी है, किसी को पंचायत की जिम्मेदारी दे रखी है, सदस्यता अभियान को लेके जिसकी जिस मंडल में जिस पंचायत में इसको जिम्मेदारी दी गई है उसको बखूबी से निभाए। बीच के कोई भी इवेंट हो, जैसे आज की ये इवेंट हो गया, और भी कोई बात हो तो आप सत्तर जी को बताएं, लोग के अध्यक्ष संघ को बताएं, जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई माननीय सांसद साहब लड़ रहे हैं, पिछले 4 सालों में आप पिछला कार्यकाल देखा हो, लोकसभा में जो उन्होंने काम किया, आप हर एक बूथ पे हर एक पंचायत स्तर पे आप सदस्यता की डायरी हाथ में ले जाते घर घर जा रहे हो, पार्टी ने जो एक व्यस्त परिवर्तन के लिए राजस्थान को की लड़ाई लड़ने में जो बड़े प्रकरण हैं, चाहे वो जालौर का इंदर मेघवाल की घटना हो, अलवर की गैंगरेप की घटना हो, वो बड़े नावा का मर्डर वाला प्रकरण हो, और कोई रीट का कितना बड़ा प्रकरण हुआ, विधानसभा में 3 मेले तकिया लेके खड़े रहे, पूरे प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया, लोकसभा में नेताजी खुद तकिया लेके खड़े रहे। पार्टी जिन मुद्दे और जिन एजेंडे को लेके आगे बढ़ रही है उन्हीं चीजों को लेके आपको लोगों के बीच में जाना है, ताकि सदस्यता की जो जिम्मेदारी आपको ब्लॉक के संयोजक विधानसभा के संयोजक संजय जी हैं जिसकी जितनी जिम्मेदारी मिली है उसको सबसे पहले बखूबी से निभाए, आपस में कोई द्वेष भावना नहीं रखे, कोई भी किसी कोई बात हो इनको बताएं, मुझे बताएं, लेकिन 4 महीने का समय है, टाइम बिल्कुल कम है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मनमुटाव किसी चीज को लेकर आगे नहीं बढ़े, जिस चीज के लिए अपना विजन है उसमें वहां तक पहुंचने में टाइम और लग जाएगा, टाइम समय नहीं है। विधानसभा के संकट जी बता रहे हैं कि चुम्बू में आज 4 बजे के प्रोग्राम है, आमेर नहीं है, आमेर में विधानसभा के लोग हैं वो वहां पहुंचे, ताकि जिनकी सहसंयोजक की जिनकी जिम्मेदारी मिल रही है जिनको जहां जाना है, बाकी 4 चोमू में मीटिंग हो चुकी है, जोटवाड़ा में हो गई, चाकसू में हो गई, दूदू में हो गई, बगरू, सांगानेर, फुलेरा, आज आमेर हो कम्प्लीट हो जाएगी। आने वाले 3 दिनों में पूरा जयपुर जिले की विधानसभा लेवल की मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद में फिर पंचायत के जो पदाधिकारी संयोजक बनाएंगे उनके साथ मीटिंग होगी, और 30 तारीख के आसपास एक बड़ा जयपुर जिले में बड़ा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें जो बूथ के अध्यक्ष हैं, पंचायत के अध्यक्ष हैं, माननीय सांसद साहब मीटिंग को लेंगे, पार्टी के 3 एमएलए भी रहेंगे, तो इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलेगी। दोनों पार्टियां इस प्रकार से मैं रैली का देखने का रूप देख लू, जयपुर अपन राजधानी में बैठे हैं, कितना बुरा हाल है, कोई सुख लेने वाला नहीं है, लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन का रूप ले चुकी है कि हाँ सुबह शाम
इस नंबर पे कोई फोन करें, ये हमारे असिस्टेंट साहब हैं, ये हमारे गनमैन साहब हैं, ये ड्राइवर साहब हैं, इनको फोन कर दो और आप रिपोर्ट दो। वही साहब बढ़ते विधानसभा को इनको एक मजबूती दे रहे हैं, मजबूती प्रदान करें। इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। लोकल कोई भी मामले हो, चाहे एक मामला यहाँ कालवाड़ में भी हुआ था, झोटवाड़ा ब्लॉक में कमलेश जी बाकी पूरी टीम ने वहाँ ज्ञापन वापन भी दिया, एक धरना प्रदर्शन भी लंबे समय तक चला। कहीं ना कहीं ये मनमर्जी का रूप ले रहे, सभी चीजों को तानाशाही ताकतों के खिलाफ आप सबको एक मजबूत तरीके से लड़ाई लड़नी है। और उसमें सबसे पहले जरूरी है सदस्यता अभियान, जो जहां जिस मंडल का है, जिस पंचायत का है, ऑनलाइन का भी प्रोसीजर है, ऑफलाइन के लिए डायरी मंगवाइए, इसमें आप एक 77322 उसमें आप मिस कॉल करेंगे, उसमें एक क्रमांक आएगा, उस क्रमांक से आप उसको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। किसी की फैमिली में 5 लोग हैं, बाकी मोस्टली 70% सबके पास फोन है फिर भी नहीं है जिनके पास, तो उनका डायरेक्ट नाम लिख के उनका खुद का मोबाइल नंबर क्रमांक से इनको सबमिट करें। इस चीज पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। इस बीच में कोई भी, जैसे आज इनकी इच्छा थी कि आप आए, क्या आपको 10 मिनट का समय निकाल के आए, लेकिन अच्छे इवेंट और एक अनुशासन से, जैसे बीच में हुए गाड़ी के कट मार रहे थे, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, बाड़मेर में एक रैली में 3 लोगों की जान चली गई, आज यहाँ पे कोई भी किसी की कोई बात होती है तो उनके लिए जवाबदारी हम लोग हैं। तो ऐसी चीजों में, इन चीजों को भी जोश में होश नहीं होना है, इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। बाकी और कोई आगे का कोई आयोजन होगा विधानसभा का, आपको पूछा जाएगा, जिले की मीटिंग होगी तो सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के अध्यक्ष या प्रभारी है उनके द्वारा आपको सब बताया जाएगा। और एक बार मैं फिर से दोबारा विधानसभा के लोग के जिले के आप सारे लोग आए, भाई सुरेश जी पूरी टीम ने एक शानदार आयोजन किया, आप सब लोगों का साथ रहा। एक बार मैं फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।